नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। सोमवार की देर शाम चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाही जंगल में बाजार से घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक को पीठ में गोली मारी गई थी, जो सीने से बाहर निकल गया है, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में उपचार शुरू होने के बाद घायल की स्थिति स्थिर बनी रही। जख्मी सिलदाग गांव निवासी विजय तुरी ने पूरे मामले में गांव के ही कुछ लोगों से घटना के अंजाम को लेकर बातचीत की। घटना हुआ, हम लावालौंग से अपना घर जा रहे थे, रास्ते में जंगल में पीछे से हमको गोली मारा। उसके बाद हम अनबैलेंस होते हुए गिरते गिरते बचते हुए हम सीधे गाड़ी रोके नहीं, हम डायरेक्ट घर पहुँच गए और घर जा कर के हम लोगों को सूचना किए, थाना में सूचना दिए। थाना स्टाफ मेरा घर पहुँचे, उसके बाद हमको वहाँ से उठा के ट्रीटमेंट के लिए चलाया गया। गोली मारने का वजह क्या हो सकता है? गोली मारने का वजह मेरा एक साल से जमीन विवादी जमीन का विवाद चल रहा था, और जो जमीन में हमको विवाद चल रहा है उसमें हम घर बना रहे हैं, और वहीं का एक अबरार मियाँ है, भावरू मियाँ और गोल्डन मियाँ, छोटन मियाँ, ये लोग बोलता है मेरा ज़मीन है। तो उसमें जांच पड़ताल हुआ, हम अपना पेपर दिखाए, उन लोगों को भी पेपर मांगा गया, तो जांच करते हुए हमको आदेश दिया गया घर बनाने के लिए। हम बना भी रहे हैं। उसी दौरान उन लोग हमको धमकी भी दिया था कि हम लोग साथे पंगा ले रहा है, तुमको खैर नहीं होगा, जिस तरह से सुखी राम को किए उस टाइप पे तुमको करेंगे। इसका सूचना आप थाना को पहले दिए थे जब आपको धमकी दिया था? तो जी, हम दिए दिए थे। तो थाना उसमें क्या किया? थाना जाके जांच किया और उन लोग से पेपर मांग किया कि इस ज़मीन में तुम लोग यदि अपना हक जमा रहा है तो पेपर दिखाओ। तो उन लोग पेपर नहीं दिखाया और हम पेपर दिखाए, तो पेपर को देखते हुए हमको आदेश दिया गया। गोली कहाँ मारा? गोली पीछे से मारा है और आगे से निकल गया। मैं थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिली कि लावालौंग बाजार से विजय तुरी नामक एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, जिसको रास्ते में किसी ने पीछे से गोली मार दिया और ये किसी तरह बचते हुए अपने घर चले गए। हम जैसे सूचना हमको मिला, मैं तुरंत दलबल के साथ इनका घर पहुँचे, वहाँ से इनको लेकर सदर अस्पताल चतरा पहुँचे, जहाँ इनका इलाज चल रहा है और यहाँ तक वो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। डॉक्टर ने जैसे बताया कि हमने एक्सरे कराया, एक्सरे इनका हुआ तो उसके बाद डॉक्टर का कहना है कि गोली शायद इनके बदन से निकल चुकी है। अच्छा, और ऐसी कोई विशेष बात और इसके अलावा? मैंने खतरे से बाहर है। हाँ, खतरे से बाहर तो उन्होंने अभी नहीं कहा है, चूँकि अभी इनका ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ। ट्रीटमेंट चलने के बाद ही किसी तरह की भी बात होगी, आगे उसके बाद बताएं। कहा है कि वह साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदकर मोटरसाइकिल से अपने गांव सिलदाग जा रहे थे। इसी दौरान हाहे जंगल में पहले से घात लगाए हमलावरों ने पीछे से उन्हें गोली मार दी। उसका लंबा समय से भूमि विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर पूर्व में ही कुछ ग्रामीणों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इधर पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जाँच की जा रही है, प्राथमिकता के आधार पर घायल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। जांच के बाद जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा से चंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।